हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय नीति में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्री फार्मा शेयर्स के बारे में। तीन फार्मा शेयर्स जो कि फार्मा कंपनी सारी अभी कोविड के कारण अच्छी चल रही हैं, शेयर मार्केट में अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रही हैं। अदर कंपनी से रिलेटेड बात करें अपन तो फार्मा सेक्टर अभी काफ़ी अच्छे ग्रो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मिड कैप शेयर्स के बारे में और एक हम बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, उसके शेयर के बारे में। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शेयर के बारे में बात करेंगे। हाँ, उसके रिटर्न्स कैसे क्या रहे हैं और उसका परफॉर्मेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें वो बना रही है, फार्मा प्रोडक्ट्स वो बनाती है प्लस केमिकल में वो डील करती है और सैनिटाइजर वगैरह आता है वो भी वो बनाती है। तो उसके रिटर्न की मैं बात करूँगा तो रिटर्न आप देखेंगे तो रिटर्न उसका वन मंथ का मैं बात करूँ तो 23% है। 3 महीने का अगर मैं बात करूंगा तो 156% रिटर्न है। 6 मंथ का बात करूँ तो 44-0 मतलब 420% इसने रिटर्न दिया है। 1 ईयर की मैं बात करूँ 666% इसने रिटर्न दिया है। 5 ईयर की मैं बात करता हूँ तो 596 मतलब 500 के अराउंड इसने रिटर्न दिया है। ओके, तो ये शेयर जो है काफी अच्छा शेयर है, मिड कैप कंपनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मैं वो भी बता देता हूँ मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ ये इस शेयर को अभी रिसेंटली एक बार स्प्लिट भी किया है। शेयर को मतलब कि जिसके पास एक शेयर था उसको 4 मिनट इन्होंने कर दिया है, मतलब जिसके पास एक शेयर था उसको स्प्लिट करके 3 शेयर और दे दिए हैं और उसकी प्राइस इन्होंने कम कर दी है। जो कि पहले शेयरधारक नहीं खरीद पा रहे होंगे महंगे शेयर को, अब उसकी स्प्लिट करके उसकी प्राइस नीचे कर दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे अब तक, मैं बात कर रहा हूँ आरती ड्रग्स एंड फार्मा कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। एंड काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, अभी अभी मिड कैप कंपनी बनी है, पहले स्मॉल कैप थी। ठीक है, इन्होंने अभी अपना कैपिटल जो है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 5000 करोड़ से इंक्रीज होके लगभग 7-8000 करोड़ हो गया है। तो ये अब क्या है, मिड कैप कंपनी बन गई है, काफ़ी अच्छा शेयर है। अभी ही विद इन 2 डेज में ये 10-10% डिक्रीज हुआ है, 10-10% गिरा है, तो आप इसमें अभी बाइंग करने का आपके पास इसमें चांसेस बन गया है। ठीक है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, मैं बात करूंगा नेक्स्ट फार्मा शेयर के बारे में। सबसे पहले मैं उसका बता दूं कि वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और उसके रिटर्न्स के बारे में बताऊं तो 1 मंथ का उसने रिटर्न तो दिया है वैसे माइनस में 4% एंड 3 मंथ का दिया उसने -2% एंड 6 मंथ की मैं अगर मैं बात करता हूं तो उसने दिया 160% का रिटर्न एंड 1 ईयर की मैं बात कर रहा हूं तो 327 मतलब 327% का उसने रिटर्न दिया है। 5 ईयर की मैं बात करता हूँ तो उसने रिटर्न दिया है 805% का, मतलब कि पांच सालों में सबसे अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने हमें निकाल के दिया है। राइट, इसके बाद हम बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में, हमने बात करी। सेकंड कंपनी जो है उसका नाम है IOL केमिकल एंड फार्मा। यह एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, अभी ग्रोइंग स्टेज पे है। ग्रोइंग स्टेज पे है, जो स्मॉल कैप कंपनी होती है और ग्रोइंग स्टेज पे होती है तो उसमें हमें अच्छी ग्रोथ मिलती है और अच्छा रिटर्न मिलता है। तो ये भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है फार्मा में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो अभी तो हमें फार्मा में ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और फार्मा में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि अभी सिनारियो चल रहा है, जैसा कि अभी माहौल चल रहा है। थर्ड में बात करूंगा, जो थर्ड शेयर है उसके रिटर्न्स के बारे में पहले आपको बता देता हूं कि उसका रिटर्न है 1 मंथ का 16%, 16%, 3 महीने की मैं बात करता हूं तो रिटर्न हो जाता है 20%, 6 महीने में हो जाता है 43% एंड 1 ईयर में हो जाता है 59% एंड 5 ईयर की मैं बात करता हूं तो इसका रिटर्न हो जाता है 143 मतलब 143%। काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। इस शेयर का नाम मैं बता देता हूँ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये काफ़ी अच्छा शेयर है। तीनों शेयर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया ये बहुत अच्छे शेयर हैं, आप इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप धीरे धीरे SIP कर सकते हैं, चाहे तो आप बल्क में भी बाई कर सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी रेट्स में ये हमें मिल रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो मैंने डेटा लिया है ये मैंने www.tradingview.com वेबसाइट से लिया है। आप भी चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं tradingview.com, इसमें काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई है कि कितना रिटर्न उसने भी प्रीवियस ईयर्स में शेयर्स में निकाल के दिया है। तो आप भी एक बार विजिट करें tradingview.com, काफ़ी अच्छा है। ओके, तो ये डेटा भी मैंने वहीं से निकाला है। एंड तीनों शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें। एंड वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।